सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज। एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में कोविड के नए वेरिएंट ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद दीगर ममालिक में अमरीका के साथ साथ और दीगर ममालिक में भी जो है वो नज़र आ रही है लोगों की इस नए वेरियंट से मुतासर होते हुए। लेकिन अमरीका की सूरत हाल गुज़श्ता कुछ दिनों में खासी तशवीशनाक हो चुकी है और यूरोप समेत अमेरिका में लोग एक मरतबा फिर खौफ में मुबतला हो चुके हैं और उनका यह ख्याल है कि जिस तरह से 2 साल कबल कोविड की जब लहर थी या जो वबा फूटी थी तो उससे जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हुई थी एक मरतबा फिर शायद वही सिचुएशन बन जाए। लेकिन जिस तरह से हुकूमतों की जानिब से ये यकीन दिलाया जा रहा है कि अब वैक्सीनेशन चूँकि मौजूद है और बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, तकरीबन 82% अमरीका की आबादी जो है वो वैक्सीन लगवा चुकी है, लिहाजा इस नए वेरियंट से इतना खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। गो कि ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है और इसकी कोई ख़ास अलामत भी नहीं है, लेकिन ये इतना मोहलिक या जानलेवा साबित नहीं हो सकेगा जितना COVID-19 की पहली लहर में या जब इस वबा का आगाज़ हुआ था उस वक्त की सूरत हाल थी, ऐसा इस मरतबा देखने में नहीं आएगा। लेकिन गुज़िश्ता 2-4 रोज़ में जिस तरह से कुछ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया क्या वाकई ये वेरिएंट इतना मजबूत नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये लोगों की जान ले सके या वैक्सीन इतनी लोगों को सिक्योर कर सकेगी कि लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहेंगी या नहीं। इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि अमरीका में लोग किस तरह से इस नए वेरियंट को देख रहे हैं और किस तरह से हुकूमती बयानात पर एतमाद करते हुए ख़ुद को खौफ में मुब्तला करने से रोके हुए हैं और खौफजदा नहीं हैं। क्या सूरत हाल है अमरीका में इस वक्त कोरोना के नए केसेस की, नई लहर में लोग कितने मुतासर हैं और कितना वो ख़ुद को मुतमईन रख रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड हैं लिहाजा उनको ज़्यादा खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे समाजी रहनुमा मावज़ असद सिद्दीकी। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। समाजी रहनुमा सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मावज़ असद सिद्दीकी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और कोविड के नए केसेस के हवाले से उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मावज़ साहब आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है अमरीका की मुख्तलिफ़ रियासतों में, कितने केसेज योमिया रिपोर्ट हो रहे हैं और क्या सूरत हाल देखी जा रही है लोगों की इस हवाले से कि जो अब केसेज बढ़ना शुरू हो चुके हैं तो उनके क्या तासुरात हैं इस बारे में? देखिए, एक तो ये है कि पहले जो गाइडलाइंस आई थी उसके अलावा जो मालूमात थी वो यही कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इससे मुतासर नहीं होगा, लेकिन जाहिर बात है कि एक नंबर काफ़ी बढ़ गए हैं, नज़र आ रहे हैं और विजिबल नंबर्स हैं। तो इसमें जो सबसे जो मेन जो फैक्टर है जो नज़ला ज़ुकाम का जो सीज़न चल रहा है उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है उसमें मिक्स हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी जो नंबरों की तादाद एकदम तेजी से बढ़ी है, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1200 जो हैं रोजाना के हिसाब से अमवात का रिपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त कह रहे हैं कि 90,000 लोग जो है वो एडमिट हैं और आज जो है वो एक नया रिकॉर्ड हुआ है कि जब इनका कहना है कि 1 मिलियन एक ही दिन में पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मार्च की तरह लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, खौफ ज्यादा है उसका। इससे पहले सदर जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि जो हम एहतियात करें, लेकिन ये कि वो पहले की तरह सूरत हाल नहीं है। अच्छा, जो अमवात है उसमें भी दो राय, देखें हर चीज़ की है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा दूसरी राय को नहीं आने दिया जाता, लेकिन बैलेंस रखना चाहिए। उसमें यह है कि जो अमवात हो रही है उसमें तकरीबन कहा यह जा रहा है कि जो ये नज़ला ज़ुकाम की तरह का क्रेन है और यह नया वेरिएंट है उसमें ये हर एक को तकरीबन होगा। तो अब कोई नेचुरल कॉज भी मर रहा है, कोई दीगर बीमारी की वजह से मर रहा है, जब वो टेस्ट होता है पॉजिटिव तो
तो उसको भी जो है कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है। पहले की तरह खौफ नहीं है, अमवात हो रही है लेकिन जिस तरीके से हो रही थी उस तरह ही नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम खुद अपने उसमें हम अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन से या नंबरों से आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में जो ये हम रोजाना देखते थे अमवात, फिर हमारे जो फ्यूनरल होम थे मुस्लिम फ्यूनरल होम वो भरे रहते थे, तो उस तरीके की सूरत हाल बहरहाल फिर भी नहीं है, फिर नजर नहीं आ रही। ये जो है उस लिहाज से हम ये समझते हैं कि ये तादाद में ज्यादा है लेकिन इस तरीके से खतरनाक नहीं, और ये बात अब ये सब सोचने पे मजबूर हो गए। माविस ये बताइए, क्या इस नए वेरिएंट के कोई खास सिम्टम्स नहीं हैं, कोई खास अलामत नहीं हैं जो लोगों को पता नहीं चल रहा कि उनको टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर चूंकि गुज़िश्ता दिनों वैक्सीनेशन का अमल इतना तेज़ी से हुआ और लोगों ने वैक्सीन लगवा ली तो टेस्टिंग का अमल थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार नज़र आया, और अब जब एक बहुत बड़ी तादाद में लोग दोबारा टेस्ट करवा रहे हैं तो ये केसेस ज़्यादा हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई टेस्टिंग सुस्त हो गई थी या फिर इसके कोई सिम्टम्स नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं होता कि वो एक मरतबा फिर इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं? देखिए बुनियादी तौर पर यही हो रहा था कि टेस्ट इस तरह हो नहीं रहे थे। अब जो नए का वो कह रहे हैं ये तो अब बल्कि एक नया नाम दे दिया है उसको, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, फ्लू के साथ उसका नाम एक नया दे दिया है, वो फ्लू भी है और ये जो है ना कोविड, इसका कोविड भी कोरोना कह रहे हैं। अब मसला सिंपल ये है कि उसमें पता नहीं चलता आपको नजला जुकाम, जैसे मैं इस चीज से गुजरा खुद के नजला जुकाम सोर थ्रोट, ये सब वो निशानियां जो फ्लू में भी जो भी हो जाती है। पहला हमारे साथ मतलब ये होता है कि जी हमने रैंडम करवाया तो वो पॉजिटिव आया घर पे बैठे, उसके बाद 2 दिन बाद जब पीसीआर का मेरा अपना रिजल्ट आया वो तो निगेटिव था। अच्छा लाइनें जो है वो इस कदर लंबी हो चुकी हैं, देखिए ये बात पहले भी थी कि जितने टेस्ट होंगे उतने नंबर बढ़ेंगे, सबको तकरीबन होनी है या होगी या हो चुकी है, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो बहुत से लोग मजबूरियों में टेस्ट करवा रहे हैं, बहुत से लोग पैरानॉइड होकर टेस्ट करवा रहे हैं, इत कदर लंबी लाइनें हैं कि जो रिजल्ट अभी गुज़िश्ता 2 महीने पहले हम जिन लैब से रिजल्ट 2 घंटे में हासिल कर लेते थे या 4 घंटे में हासिल कर लेते थे, वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेरा अपना रिजल्ट जो सपोज टू बी के 24 आवर में आना चाहिए था वो 72 आवर्स में आया जान पहचान के बावजूद। अब जब इतनी तवील लाइनें हैं, इतने तवील वो है, तो जो कराएगा कहीं ना कहीं वो आएगा, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मतलब ये फ्लू का वही सिम्टम्स हैं, सॉर थ्रोट जो रेगुलर है, मैं अपनी बार बार मिसाल दे रहा हूँ, मैं हर साल इस कैफियत से गुजरता हूँ कि जिसमें सॉर थ्रोट भी होता है, नजला भी होता है, नाक भी बंद होती है। अच्छा इसमें पहले वाला वो मामला भी नहीं है कि खुशबू गायब हो जाए या स्मेल सेंस ऑफ स्मेल जो है वो खत्म हो जाए, वो भी नहीं है। तो कंफ्यूजन बहुत है, लोग करवा रहे हैं, इसीलिए सीडीसी ने अमवाद भी हो रही है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीडीसी ने भी अपने रूल्स में तब्दीली की है। अब जो ये था ये 5 दिन बाद है, मतलब 5 दिन रेस्ट करें अब आप, इसमें पहले 10 दिन था कोविड के आपका सिम्टम्स आ जाए तो आप 10 दिन आइसोलेट करें, लेकिन दुनिया चलनी है, दुनिया को चलाना है, इसलिए अब इन्होंने इसको भी कम कर दिया है। तो कन्फ्यूजन ज्यादा है उसमें, भले इसमें कोई शक नहीं है, एहतियात बरतनी चाहिए, कुछ यंग अफवाह भी हुई है। टेक्सास में तो बच्चों को रिपोर्ट किया गया, एक फैमिली का भी बता रहे थे कि वो उनका 2 माह का बच्चा जो है वो क्रिसमस पार्टी के बाद उसको कोविड हो गया, तो उसमें ये चीजें तो हैं, लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े पैमाने पर ह्रास फैला है। लेकिन इस पर तो फिर भी अमेरिका में निस्बतन मतलब लोग कम खौफ ज्यादा हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर पार्टियां भी कैंसिल हुई हैं लेकिन बहुत ज्यादा चल भी रही हैं, उसका भी लोग शिकार हो रहे हैं, शादियों से वापस आते हैं तो हो जाता है। इसी तरह से अभी न्यू ईयर्स पार्टी में उन्होंने मतलब लोगों को आने का थोड़ा कड़ी शरारत रख दी थी लेकिन खत्म नहीं की न्यू ईयर पार्टी। माविस ये बताइए कि वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि तकरीबन 82% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और वैक्सीन वो लगवा चुके हैं, अमेरिका में खास करके हम देख रहे हैं कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जा रही है, तो वैक्सीनेशन का अमल भी क्या सुस्त रवि का शिकार था, या वैक्सीनेशन उसी तरह से चल रही थी और उस दौरान ही ये जो नया वेरियंट आया है और उसने लोगों को खौफजदा किया है या मुतासर करना शुरू किया है? देखिए वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे हुई, 82% एडल्ट ने अमेरिका में कराई है, उसमें से अब बच्चों पे भी ले आए, 5 साल के बच्चों को भी उन्होंने कह दिया उनको लगाएं, तो उसमें अमेरिका ने या पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा पुश किया, बहुत ज्यादा अवेयरनेस के लिए काम किया है। इवन ये कि अमरीका में तो ये सूरत हाल हो गई है कि अब आपको न्यूयॉर्क में कम से कम ये सूरत हाल थी कि अब आप जी वैक्सीनेशन लगाएं हम आपको $100 देंगे,
यानी इस कदर क्या, फिर मस्जिद इस्तेमाल की, चर्चेज इस्तेमाल किए, जो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको फंडिंग की कि आप लोगों के पास जाएं, बात करें, मजहबी तौर पे भी, सब तौर पे। तो जिस कदर कोशिश एक यानी इंसान कर सकता है या कोई हुकूमत कर सकती है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने की है। उस पे 82% होना बड़ी बात है। एक आदाद मुल्क अदारी, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे एंटीवायरस हैं, वो सॉरी एंटी वैक्सीन है, और उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं इसकी वजह से। अभी सिर्फ आप अंदाजा लगा लें कि मतलब एक अजीब सोसाइटी बन गई है। बहुत से लोग तो बिल्कुल, अभी हमारे एक दोस्त हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनको हमने कहीं बुलाया तो खाने पे, तो वो आए नहीं। मैंने बहुत देर से आया तो पूछा क्या हुआ, कहते हैं कि एक ग्रुप जो है जो वैक्सीनेटेड नहीं था, वो एक दुकान में दाखिल हो गया और उन्होंने कहा कि जी हमें खाना सर्व करो। उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं, उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड कहा हमारे पास नहीं है, और खाना यहीं से लेंगे। तो मामला बढ़ा, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो इस तमाम रेजिस्टेंस के बावजूद 82% लोगों का वैक्सीन लगाना ये एक बड़ी बात है। माविज, अस्पतालों की सूरत हाल के बारे में बताइए कि इस वक्त क्या एक मरतबा फिर अस्पतालों में इमरजेंसी की कैफियत देखी जा रही है, या लोग एडमिट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने की सूरत में, या फिर महज घर में क्वारंटाइन कर लेते हैं? ये बता दिया जाता है कि चूंकि इसके कोई ख़ास सिम्टम्स भी नहीं हैं, तो आप सिर्फ जो ड्यूरेशन भी कम कर दी गई है क्वारंटाइन पीरियड की, उस जो पीरियड है उसको मुकम्मल कर लें घर में, और हॉस्पिटलाइज होने की भी ज़रूरत नहीं समझी जा रही। लेकिन पिछली मरतबा तजर्बात लोगों के साथ इंतजाम बात हुई, जिन लोगों ने घरों पे किया उनके नस्बतन बचने के ज्यादा रहा। तो हॉस्पिटल्स में जो वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी, हाँ बढ़ी है तादाद, यानी तकरीबन जो है वो 1200, जैसे मैंने आपको बताया 1200 रोजाना के उसमें जो है वो एडमिट भी हुए हैं, लेकिन जो इमरजेंसी की सूरत हाल समझी जा रही थी हॉस्पिटल्स में वो नहीं है। एक तो जैसे हमने बताया कि आपको पहले इसकी जो वो है अपना जो असर है, या इसके जो नुकसान थे वो इतने नहीं है, तो मीटर पे भी गए हैं, लेकिन वो इमरजेंसी वो लाइनें हॉस्पिटल्स में देखने में नजर नहीं आ रही जो वैक्सीनेशन की लाइन या टेस्ट की लाइनों में नजर आती है। तो इस लिहाज से तो बहुत बेहतर है सूरत हाल। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी कह सकते हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन है। वैक्सीन के बारे में बताएं माविस, कि किस वैक्सीन को ऊपर लोग ज़्यादा रिलाई करते नज़र आ रहे हैं, या किसको ज़्यादा मौसर समझते हैं कि जी ये वाली वैक्सीन अगर लगवा ली जाएगी तो आप कोविड के नए वेरिएंट से भी महफूज रहेंगे, और उसके ऊपर लोगों को ज़्यादा भरोसा है कि इस वैक्सीन के ही जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हैं, लिहाजा उस वैक्सीन के ऊपर ज़्यादा एम्फिसाइज करते लोग नज़र आएँ? देखिए इसमें यहाँ तो अमेरिका में तो दो तीन है, मॉडर्ना और फाइजर की ना, तो दोनों अपनी अपनी खूबियां बताते हैं, दोनों के अपने अपने वो हैं। तीसरी थी जॉनसन एंड जॉनसन, जो अब नहीं लगाई जा रही। जॉनसन एंड जॉनसन वन डोज थी, हमारे जैसे सुस्त लोगों ने जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन लगवाई, तो उसके भी बूस्टर लोग लगवाने के मूड में। तो जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ नुकसान सामने आए, वो कहा जाता था वो असरात भी नहीं है वन डोज होने के, तो वो इस कदर नहीं है, जॉनसन जॉनसन अब नहीं है। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना में दोनों ये हो रहा है कि जी कोई जो है उसकी फाइजर की तारीफ करता है तो कोई मॉडर्ना की तारीफ करता है कि वो बेहतर है। तो उसमें इस लिहाज से अमेरिका में तो बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है, इन दो ये तीन थी जिसमें अब दो चॉइस रह गई है। ओके, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। माविज असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मारूफ समाजी रहनुमा मावज़ असद सिद्दीकी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम कुछ बातचीत कर रहे हैं दुनिया भर के दीगर ममालिक के साथ साथ अमरीका में तेज़ी से बढ़ते हुए कोविड के केसेस के हवाले से कि एक मरतबा फिर जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये लहर सर उठाने लगी है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इससे मुतासर हो रही है, इसके क्या रीज़न है और किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मावज ये बताइए कि गो के ये कहा गया था अमरीकी हुकूमत की जानिब से कि ये मर्ज इतना इस मरतबा जो वेरिएंट आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और चूंकि लोग भी वैक्सीनेटेड हैं तो डेथ रेशो जो है वो खासा कम रहेगा, लेकिन अब जो अमवात रिपोर्ट हो रही हैं कोविड की वजह से ये किस वेरिएंट की वजह से हो रही हैं? आया कि कोई नया वेरिएंट जो आया है उसकी वजह से, या जो कोविड 19 की पहले डेथ हुई हैं ये वही वेरियंट है उसी की वजह से अमवात हो रही हैं? देखिए अभी जो है वो अभी तो ओमिक्रॉन ही कहा जा रहा है, उसमें जो है उसके हवाले से मजीद जो है मैं मालूमात और लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो अभी जिनको करीब हमने दो चार सुनी है वो इन्हीं नए उसकी वजह से कहा जा रहा है कि हुई है। हमने कुछ लोग वैक्सीनेटेड थे उसमें, कुछ लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, लेकिन ये कि नई उसकी सूरत में ही हुई है। अच्छा मावेस ये बताइए कि दो चार रोज कबल ब्रुकलिन के इलाके में जो एक नौजवान की डेथ हुई है तो वो वैक्सीनेटेड भी था लेकिन तीन चार रोज़ उसमें कोविड के सिम्टम्स रहे और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि जो वैक्सीनेशन है वो इस नए वेरिएंट पर असरअंदाज नहीं हो रही लिहाजा इसकी वजह से डेथ्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं? देखिए जो अगर हम आम जगह पर बात करते हैं वो यही कही जा रही है और ये बात बार बार एम्फसाइज की जाती है कि डेथ की जो सिचुएशन है या जो अमवात हो रही है वो उन लोगों में कम है जो नॉन जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनकी तादाद ज्यादा है। अच्छा दूसरी ये बात जो है यहाँ मीडिया पे या CDC पे या इस पे इस तरीके से वो दूसरा नुक्ते नजर दूसरा नहीं देते हैं कि जिसमें वैक्सीनेटेड लोगों की अमवात हुई है। तो वैक्सीनेशन, अब ये बात तो साबित हो गई कि वैक्सीनेशन गारंटी नहीं है लेकिन आपको सेफ करती है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, मैं बिल्कुल एक इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है, मैं इंशाल्लाह उस पर भी रिसर्च करूंगा, लेकिन परसेंटेज अभी तक है वो एक बड़ी वो है जो CDC बता रहा है, जो हम मीडिया बताता है वो ये बताता है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनकी बनिस्बत वो लोग ज्यादा मौत का शिकार हो रहे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। मतलब कल ही मैं एक जनाजे में गया था, वो खातून थी जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाने से इनकार कर दिया। जरूरी नहीं है कि वजह मौत यही रही हो, लेकिन उनको कोरोना था, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे वो इस बात पे बहस कर रहे थे। तो हर आदमी का एक नुक्ता नजर है, लेकिन बहरहाल फिर भी जो रिसर्च कहती है, जो नंबर्स कहते हैं, जो CDC कहती है, वो यही कहती है कि वैक्सीनेशन निस्बतन आपको सेव करती है। अच्छा इस वक्त जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो किस उम्र के लोगों में ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, या मर्द हैं या खवातीन हैं या बच्चे हैं जो इससे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, किन लोगों में ये ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए अभी तक जो सूरत हाल है उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि बच्चों में भी हो रहे हैं, खवातीन में भी, इस तरह का स्पेसिफिक नंबर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो जनरल हमने खुद नोट किया है ये इसकी इस वक्त कोई एज लिमिट इस तरह की नहीं है। पहले जो हुआ था उसमें अमवात बड़े पैमाने पे बुजुर्गों की हुई थी सबसे ज्यादा, और खास जो टारगेटेड सबसे ज्यादा टारगेट एरिया था वो ये था, जो ओल्ड हाउसेस थे। तो इस मरतबा जो है एक ब्रुकलिन में नौजवान की मौत हुई, कल में जो जनाजा पढ़ने गया वो 40 साल की खातून थी। लेकिन अगर हम जनरल व्यू की बात करें तो उसमें ये हो रहा है, यही वजह है कि बच्चों में भी वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। मावेस ये बताएं कि क्या SOPs के लिए एक मरतबा फिर बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए कोई खास हिदायत हुकूमती सतह से दी जा रही हैं, या लोग अस खुद एहतियात कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है वो ख्याल करते हुए पहले से यही ज्यादा एहतियात कर रहे हैं ताकि केसेस उतनी तेजी से ना बढ़े जिस तरह से देखा जा रहा है? देखिए दोनों चीजें, लोग अस खुद भी एहतियात कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी आई हैं, जिस तरह खुद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये बात पाबंदी आ गई है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें मास्क को लाजमी कर दिया गया है। इसी तरीके से अब शहरी सतहों पे भी ये लाजमी किए जा रहे हैं, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ खास तौर पे जैसे जो रेस्टोरेंट्स हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें वैक्सीनेशन कार्ड का को के लिए लाजमी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो है लोग भी बड़े पैमाने पर खुद एहतियात कर रहे हैं, मतलब प्राणायाम होने
तक कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा, अगर बाद आप एलिवेटर में दाखिल हो जाए और आपके मास्क ना लगाओ तो दूसरा जो लड़ने झगड़ने लगता है, ऐसे कई वाकयात हुए हैं इसमें। मतलब जैसे मैं अब CVS में दाखिल हुआ तो मेरे नाक से थोड़ा सा नीचे मास्क था, तो एक खातून चीखती आई इसको ऊपर करो, तो लोग एक एहतियात भी कर रहे हैं, जबरदस्ती करवा भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ज्यादा एहतियात को ज्यादा किया है, लेकिन निस्बतन नरम कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो CDC की गाइडलाइन थी 10 यानी 10 दिन की, वो कम होकर 5 दिन की कर दी है। और 5 शहरों में ये भी हुआ है कि बाद जगह ये कहा गया है कि जो वैक्सीनेटेड हैं और वो जो है वो भरपूर वो जो मुस्तकिल यानी खुद कवर करके अपने आप को आ जाए तो वो भी जॉब पे आ सकते हैं बाद जगहों पे, क्योंकि बहुत ही सूरत हाल इस वक्त खराब है, जो नई इनके इतनी ज्यादा लोगों में खौफ रास फैल गया है कि जो कम से कम आज के दिन ही फिर 3,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं या डिले हुई हैं। उसमें वजह यह है कि बहुत से लोग जो है एहतियातन जो है वो कॉल कर देते हैं और नहीं आते, तो इस वक्त हॉस्पिटल्स में और जो एयरलाइंस में हॉस्पिटल्स में बहुत सी जगहों पे कॉज 6 की वजह से फ्लाइटें कैंसिल हैं, हॉस्पिटल्स में मुतासर कुन है, खासतौर फ्लाइट अटेंडेंस ने या जो फ्लाइट क्रू है उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कॉल्स किए हैं, तो लोग एहतियात भी कर रहे हैं। आपको ये बताता चलूं, जहां दुनिया में लोग नौकरियां खत्म हो रही हैं तो यहाँ लोग वॉलंटियर नौकरियां छोड़ भी रहे हैं इस खौफ से, या एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, मतलब आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ नवंबर की जो रिपोर्ट है जो 45 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ी हैं नवंबर में जो है, और वॉलंटरी अभी दिसंबर के नंबर और आएंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि लोग खौफजदा भी हैं, वॉलंटरी एहतियात भी कर रहे हैं, वॉलंटरी अपने आप को भी कर रहे हैं, हर चीज एक 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 क्योस सा है, समझ लो। अच्छा, लॉकडाउन की सूरत हाल के बारे में थोड़ा बता दिए कि जिस तरह से कनाडा के हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनके मुख्तलिफ शहरों में जो है वो लॉकडाउन की सी सूरत हाल रोनुमा होना शुरू हो चुकी है, अमेरिका में इस हवाले से क्या कहना है हुकूमत का? क्या ये एक मरतबा फिर शटडाउन की तरफ जाएंगे, लोगों को वर्क एट होम के लिए कहेंगे, या फिर ये समझते हैं कि अगर वैक्सीन मौजूद है और लोग वैक्सीनेटेड भी हैं तो लॉकडाउन की तरफ जाना ज़्यादा दुरुस्त नहीं है? देखिए, हुकूमत ने जैसे मैंने आपको बताया कि सदर जो बाइडेन ने भी खिताब करते हुए कहा कि पहले जैसा खौफ नहीं होना चाहिए, हम एहतियात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ये इज ऑल अबाउट मनी में, देखिए यहाँ जो है ना जो जो मसाइल चल रहे हैं, ये बिजनेस इतना डैमेज हो चुके थे पिछली मरतबा और बहुत जबरदस्त किस्म का झटका लगा है, बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन्होंने तकसीम भी किया वहां में, उसके बावजूद जाहिर बात है कि जब मैं समझता हूँ कि निस्बतन यूरोप और कनाडा के मुकाबले में अमेरिका में बहुत ज्यादा आज़ादियां भी हैं, बहुत ज्यादा आसानियां हैं इसमें, आप ये समझ लें कि जैसे यहाँ न्यू ईयर्स की जो बहुत मशहूर टाइम स्क्वायर का जो मशहूर जश्न है वो मनाया गया, लोग आ भी रहे हैं, जमा भी हो रहे हैं, फिर बुनियादी तौर पर थोड़ा सा ये बेहतर भी होता है कि लोग खौफ की हालत में रह जाते हैं, यहाँ वाकयात ऐसे हुए हैं आइसोलेशन में जो लोगों की जहनों पर जिन्होंने मुतासर किया है, यानी यहाँ कत्ल बढ़े थे, यहाँ झगड़े बढ़े थे, उसके नतीजे में मेरे सोसाइटी को बहरहाल चलने देना चाहिए। अभी जैसे यहाँ मेयर न्यूयॉर्क ने ये बात की कि जैसे अब कनाडा में स्कूल बंद कर दिया, बल्कि मेयर न्यूयॉर्क इसके मुकाबले में ये कहते हैं कि जो बच्चे घर में रहते हैं ना सिर्फ वो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनके, उसके साथ साथ वो और ज्यादा एक्सपोज होते हैं कोरोना के लिए। उन्होंने एक फिगर पेश की कि 1% बच्चे जो है वो कोरोना का शिकार हुए स्कूलों में, जबकि उसके मुकाबले में 15% बच्चे घरों पर रहकर शिकार हुए। तो अमेरिका में निस्बत इस लिहाज से हालांकि अमवात ज्यादा हुई हैं, अमेरिका ने सीखा बहुत कुछ है, पहले से ज्यादा दवाएं का इस्तेमाल आ गया, लोगों का एहतियात का इस्तेमाल आ गया, इसके लिहाज से जो अमवात का रेशो है जैसे मैंने आपको पहले बताया वो ये कि जो आम आदमी किसी और बीमारी पर मरता है जब उसका टेस्ट होता है तो कोविड होता है, मतलब अगर पॉसिबिलिटी कि वो कोविड हो गया तो वो भी कोविड में डाल देते हैं, अदरवाइज इस तरीके से इस तरह जोर नहीं है। तो लिहाजा यहाँ जो है लोगों को नफसियाती मसाइल से बचने के लिए निस्बतन ये आज भी अमेरिका जो है यूरोप और कनाडा के मुकाबले में बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए, इतना ही। माविस हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे कोविड के नए बढ़ते हुए केसेस के हवाले से कि लोगों में एक मरतबा फिर खौफ सर उठाना शुरू कर चुका है, क्योंकि जितनी तेज़ी से लोगों में इस मर्ज़ में इजाफा हो रहा है वो इस तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद क्यों दोबारा कोविड उनके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो चुका है।
बूस्टर डोजेस भी लग रही हैं, वो लोग जो वैक्सीन नहीं लगवा सके थे अब वो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो SOPs थी उसको खास करके फॉलो किया जाता रहे ताकि एक से दूसरे शख्स में जिस तेज़ी से ये मर्ज़ मुंतकिल हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके और एक मरतबा फिर 2 साल पहले वाली सिचुएशन दुनिया में ना नज़र आए और ना ही बहुत बड़ी तादाद में अमवात रिपोर्ट हों। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।